हेलो एंड वेलकम टू द माइक गुरुकुल एंड इन दिस वीडियो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि नवोदय विद्यालय जो पीजीटी की वैकेंसी आई है उसमें पीजीटी केमिस्ट्री का जो सिलेबस है उसको डिस्कस करेंगे और सिलेबस को हम किस तरह से करने वाले हैं आने वाले दिनों में इसको भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो पहले एक बार देख लेते हैं पीजीटी केमिस्ट्री के सिलेबस को, क्योंकि आपकी तैयारी शुरू करने से पहले आपको सिलेबस जान लेना बहुत जरूरी है। तो ये नवोदय विद्यालय के लिए है जो पीजीटी केमिस्ट्री, और ये एग्जाम मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल महीने में होने वाली है। तो आपके पास अभी अच्छा समय है, अगर आपका सब्जेक्ट केमिस्ट्री है तो आप यहाँ चैनल पे आपको पूरे मटेरियल मिल जाएंगे और आपका रिविजन भी करा दूंगी मैं। और यहाँ पर क्या है, टॉपिक वाइज आपको हर दिन मैं कोशिश करूंगी कि एक एक टॉपिक खत्म करने का, और नेक्स्ट डे उससे रिलेटेड जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं नवोदय में या फिर केंद्रीय विद्यालय में, सबको इंक्लूड करूंगी और वो एक क्वेश्चन आंसर का सेशन करेंगे। चल दिखा देती हूँ, यहाँ पहले सिलेबस एक बार जान लेते हैं कि ये किस तरह से करना है। तो ये आप देख रहे हैं पहला टॉपिक जो है हमारा यहाँ पे, तो ये फर्स्ट टॉपिक है पीजीटी केमिस्ट्री का, जो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो ये टॉपिक है हमारा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं क्या क्या, तो इसके अंदर सिलेबस के अंदर आ रहा है हमारा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के अंदर स्कोप ऑफ केमिस्ट्री, हिस्टोरिकल अप्रोच एंड नेचर ऑफ केमिस्ट्री, स्टेट्स ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड इट्स मेजरमेंट एंड एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, डायमेंशनल एनालिसिस एंड लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, मोल कॉन्सेप्ट, मोलर मासेस, परसेंटेज कंपोजिशन, एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर मासेस, इक्विवेलेंट वेट, कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। अब मैं बताना चाहूंगी कि यहाँ का जो सिलेबस ये जो होता है, ये जैसे कि आप ये बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री देख रहे हैं, तो यहाँ पर ये जो सिलेबस होगा, तो जैसे कि आपने केवीएस के लिए भी आपको सिमिलर सिलेबस मिला होगा देखने के लिए, लेकिन ये जो सिलेबस है यहाँ पर, तो इस सिलेबस में ये होगा कि आपका जो केवीएस का लेवल था उससे थोड़ा सा क्वेश्चन आपका टफ होगा, क्योंकि एनवीएस का क्वेश्चन अपेरेंटली ऐसा जितना देखा गया है अभी जितने सालों से मैं देखती आ रही हूँ, क्वेश्चन जो पेपर का जो लेवल होता है वो पीजीटी का, वो आपने जो पीजीटी केमिस्ट्री का देखा होगा क्वेश्चन पेपर केवीएस का, उससे थोड़ा सा लेवल इसका ऊपर जाता है। तो इसके लिए घबराने की बात बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे आप पहले तो आपको क्या करना है, कैसे पढ़ना है, तो टेन प्लस टू के आपको जो एनसीईआरटी की बुक आती है, तो ये एनसीईआरटी की बुक पहले कवर करनी है, और फिर एनसीईआरटी के जो आप खत्म कर लेंगे उसके बाद फिर आपको क्या करनी है, एनसीईआरटी के बाद आपको कुछ एडिशनल बुक्स की जरूरत पड़ेगी, जो मैं आपको एक सेशन करके बताऊंगी कि आपको बुक्स क्या क्या रेफर करने हैं पीजीटी केमिस्ट्री के लिए। तो एक बुक्स की अलग से वीडियो करेंगे हम, जिसमें कि हम देखेंगे कि बुक्स क्या क्या होने चाहिए पीजीटी केमिस्ट्री के लिए। तो अभी देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है ये रहेगा स्टेट्स ऑफ मैटर। सो स्टेट्स ऑफ मैटर में यहाँ क्या क्या पढ़ना है, स्टेट्स ऑफ मैटर में हमें करना है, यहाँ पे देखिए स्टेट्स ऑफ मैटर में हमें है गैसेस, सॉलिड एंड थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, द लॉ ऑफ गवर्निंग आइडियल गैस बिहेवियर, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ आइडियल गैस, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन, लॉ ऑफ मॉलिक्यूलर मोशन, रियल गैसेस, डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, वैन डेर वाल्स इक्वेशन। फिर लिक्विड के अंदर आपको पढ़ना है लिक्विड एंड देयर प्रॉपर्टीज, सॉलिड के अंदर आपको पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, फंडामेंटल टाइप्स ऑफ लैटिसेस, टू और थ्री डायमेंशनल लैटिसेस, लैटिस टाइप, सिंपल क्रिस्टल एंड स्ट्रक्चर एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल लैटिसेस, स्ट्रक्चर ऑन वेरिंग टेम्परेचर, ब्रैग्स लॉ, और यहाँ पे पढ़ना है आपको डेंसिटी ऑफ हाँ यहाँ पे देखना, यहाँ पे करना है कि ये प्रॉपर्टीज और डेंसिटी इन सॉलिड्स, एनर्जी बैंड एंड बैंड गैप, सेमी कंडक्टर्स, मैग्नेटिक एंड डायलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज, स्टोकियोमेट्रिक एंड नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स। तो ये सारे टॉपिक्स आएंगे आपके जो होगा कहाँ पे, तो ये होगा स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर। तो ये टॉपिक हम करेंगे, तो हम कोशिश करेंगे एक दिन में एक टॉपिक को खत्म करना, ये दूसरे दिन का टॉपिक होगा। ये थर्ड डे का हमारा टॉपिक क्या होगा, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमें क्या पढ़ना है, क्लासिकल थ्योरी पढ़नी है, डाल्टन्स थ्योरी, बोस मॉडल ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम मॉडर्न थ्योरी, डी ब्रॉगलीज रिलेशनशिप, हेन्सबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, क्लासिकल वेव कंडीशन इक्वेशन है, और फिर यहाँ पे क्या है, सोरिंगर वेव इक्वेशन और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, क्वांटम नंबर्स एंड पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ऑपोव प्रिंसिपल, हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी।
सिंप्लिसिटी, ये सारे हैं। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक जो फोर्थ टॉपिक है, ये भी हम लोग कवर करेंगे एक दिन में, ट्राई करेंगे एक से दो दिन, हो सकता है कोई कोई जैसे लॉन्ग टॉपिक होगा तो कोशिश करूंगी एक दिन में, लेकिन अगर हो सकता है एक से दो दिन भी लग सकते हैं, कोई बात नहीं, हमारे पास टाइम इनफ है तो बिल्कुल कोशिश यही करेंगे कि दो महीने के अंदर, पहले हमें क्या करना रहेगा कि दो महीने के अंदर कोशिश रहेगा, टारगेट ये करेंगे दो मंथ में हमारा सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाए, ताकि हम नेक्स्ट का जो एक महीना हमारा बनेगा उसमें अच्छे से रिजल्ट दें, यहाँ पे मतलब फरवरी और मार्च के अंदर हमारा कोशिश करेंगे कि मार्च के एंड से मतलब मिडिल ऑफ द मार्च तक खत्म कर लेने का। और उससे क्या होगा कि एक नेक्स्ट आपको एक वीडियो मिलेगी जिसमें हम स्ट्रेटेजी और प्लान डिस्कस करेंगे कि कैसे करेंगे इसको, पहले हम सिलेबस देख लेते हैं यहाँ पे इस वीडियो में। फिर नेक्स्ट है हमारा जो टॉपिक है सरफेस केमिस्ट्री है। देखिए सरफेस केमिस्ट्री में हमें क्या क्या करना है, तो यहाँ पे सरफेस केमिस्ट्री में जो करना है हमें ये यहाँ पे है ये सर्फिस के में एडजॉप्शन, एब्जॉर्प्शन और सॉर्प्शन और फिजिकल एडजॉप्शन, केमिजॉर्प्शन, एडजॉप्शन, आइसोथर्म्स, आइसोथर्म्स के अंदर आपको करना है फ्रेडरिक लैंगमुर का जो एप्लीकेशन ऑफ एडजॉप्शन एंड टाइप्स ऑफ कैटालिसिस, थ्योरी ऑफ कैटालिसिस एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स, प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन, लायोफोबिक एंड लायोफिलिक सॉल्यूशन और स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशंस एंड इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड प्रेसिपिटेशन ऑफ कोलॉइड्स, हार्डी सिजविक रूल्स और मल्टी मॉलिक्यूलर एंड मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स, इमल्शन एंड जेल्स, ये सारे टॉपिक्स हैं जो इसके अंदर आते हैं। अभी यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कि इसके आगे के जो टॉपिक, ये हो गए हमारे पांच टॉपिक। इसके अलावा हमारा जो सिक्स टॉपिक होगा वो होगा केमिकल काइनेटिक्स। तो यहाँ केमिकल काइनेटिक्स में हमें क्या करना है, तो केमिकल काइनेटिक्स में हमें पढ़ना है जो वो है यहाँ पर थ्योरीज ऑफ रिएक्शन रेट्स, ये देख लीजिए यहाँ पे केमिकल काइनेटिक्स है और केमिकल काइनेटिक्स के अंदर हमें थ्योरीज ऑफ रिएक्शन रेट और रेट ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फास्ट रिएक्शन, ल्यूमिनेसेंस एंड एनर्जी ट्रांसफर प्रोसेस, रिएक्शन मैकेनिज्म, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। नेक्स्ट आ जाता है रेडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो ये दोनों को हम अलग अलग पार्ट में करेंगे, ये एक क्लास में इसको करेंगे, इसको दो अलग अलग पार्ट में करेंगे, पहले रेडॉक्स रिएक्शन करेंगे क्योंकि दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और बाद में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ना है, रेडॉक्स रिएक्शन एंड इट्स एप्लीकेशन, ऑक्सीडेशन नंबर, स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, एक्टिविटी कॉफिशियंट, कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी, पुचॉस लॉ और रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एंड इट्स एप्लीकेशन, नर्न्स्ट इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशन, इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट एंड EMF of the cell, ये सारे टॉपिक्स आएंगे इसके अंदर। नेक्स्ट आ जाता है हमारा नेक्स्ट एट टॉपिक जो है कि सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में भी पढ़ना है सॉल्यूशन ऑफ एंड इट्स टाइप्स, एक्सप्रेशन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, सॉलिबिलिटी एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉलिबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड, टेम्परेचर एंड प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड, रॉल्स लॉ, बोथ वोलाटाइल एंड नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड एबनॉर्मल मॉलिकुलर मास एंड वॉन्ट ऑफ फैक्टर, ये सारे टॉपिक्स करेंगे हम सॉल्यूशन के अंदर। नेक्स्ट है नाइन्थ लेसन जो है हमारा, तो इसमें हम करने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिकुलर स्ट्रक्चर। सो दोनों को फिर से अगेन हम दो अलग अलग पार्ट कर देंगे फिर करेंगे। तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड लेवल स्ट्रक्चर, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, बॉन्ड पैरामीटर्स, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, पोलरिटी एंड डायपोल मूवमेंट, क्वांटिटेटिव आइडिया ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, मॉलिक्यूलर और वाइटल थ्योरी, LCAO, यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्विंग SP-DF ऑर्बिटल्स, हाइड्रोजन बॉन्ड एंड रेजोनेंस, ये सारे टॉपिक्स के अंदर आएंगे। नेक्स्ट है टेंथ है थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स के अंदर हमें पढ़ना है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम, modes of transfer of energy between system and surrounding, phase transition, phase rule and phase diagram, first law, second law and third law of thermodynamics, internal energy and enthalpy of the reaction, their measurement and application, spontaneity of process, entropy and spontaneity or Helmholtz and Gibbs free energy or thermodynamics of electrochemical cells, ये सारे टॉपिक हैं इसके अंदर आपको पढ़ने। नेक्स्ट है 11th टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी। सो सिग्निफिकेंस ऑफ क्लासिफिकेशन, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ
The development of periodic table, periodic law, name of elements with atomic number, आपको कहाँ तक पढ़नी है इसकी, तो ये ध्यान रखना है, Z का मतलब यहाँ पे atomic number 100 तक के, below 100 के भी की पढ़नी है, आपको 100 से ऊपर को वाले नहीं है सिलेबस में, तो आप जब atomic classification पढ़ें, तो जो जितने भी हैं below 100, मतलब 100 के अंदर जो elements आते हैं, बस हमें उनके बारे में पढ़ना है. Next, according to IUPAC system, classification of elements into SPDF block elements and their characteristics, periodic trends in the properties of elements, ionization enthalpy, electron gain enthalpy, electronegativity, atomic radii, ionic radii, periodicity of valency or oxidation state. Next our topic is hydrogen. So yahan pe hydrogen, हाइड्रोजन में कैसे करना है, तो हाइड्रोजन में हमें करना है यहाँ पे पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल, ऑकरेंस आइसोटोप्स, प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन ऑन स्मॉल एंड कमर्शियल स्केल, हाइड्राइड्स, वाटर, हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर, हैवी वाटर, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन इकोनॉमी, हाइड्रोजन एज अ फ्यूल. सो एज यूजुअल मैंने बताया कि पहले हम लेसन को करेंगे, फिर जो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियसली पूछे जा चुके हैं या फिर थोड़े पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है. सो एक टॉपिक को जितना अधिक से अधिक डिटेल में जा सकेंगे, सो दो से तीन दिन एक टॉपिक को लगाएंगे, लेकिन अच्छे से करेंगे. तो अगर आपने देखो, आपने तीन पार्ट हमें पढ़ना है, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक. तो अगर आपने दो पार्ट भी अच्छे से तैयार कर लिया ना, तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, क्योंकि दो, लेकिन जो भी पढ़े आप अच्छे तरीके से खत्म करना है. कि अगर आपकी दो पार्ट, सपोज करो कि आपने फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में आपके दो पार्ट अच्छे हैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक अच्छा है, फिजिकल थोड़ा वीक है या फिर फिजिकल अच्छा है, तो जो दो पार्ट भी अगर आपने खत्म कर पाए अच्छे तरीके से, तो आपका इसमें बहुत अच्छे मार्क्स आप स्कोर कर लेंगे. तो एक बात देखिए, जनरल प्रिंसिपल ऑफ प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड एस ब्लॉक एलिमेंट्स, यहाँ प्रिंसिपल एंड मेथड्स ऑफ एक्सट्रैक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एज अप्लाइड टू द एक्सट्रैक्शन, और प्रोसीजर्स ऑफ एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक एंड आयरन. एस ब्लॉक एलिमेंट्स में करना है आपको जनरल इंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, अकरेंस, anomalous properties of the first element of each group and diagonal relationship. ये सारे टॉपिक हैं. तो इसी टॉपिक के का रिमेनिंग पार्ट होगा, ट्रेंड्स इन वेरिएशन ऑफ द प्रॉपर्टीज रिएक्शन ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल एंड प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, और यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम कार्बोनेट, इंडस्ट्रियल यूजेस ऑफ लाइम एंड लाइमस्टोन, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम एंड कैल्शियम. ये सारे टॉपिक्स आएंगे इसके अंदर. नेक्स्ट हमारा टॉप नंबर 14, सो पी ब्लॉक एलिमेंट है यहाँ पर. तो यहाँ भी एनसीईआरटी प्लस हम यहाँ पे एडिशनल करेंगे, जो कि हमारे सिलेबस के अंदर आएगा. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है, वेरिएशन इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 13-18, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बोरेक्स, बोरिक एसिड एंड बोरोन हाइड्राइड, सिलिकॉन्स प्रिपरेशन एंड यूजेस, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ नाइट्रोजन, अमोनिया, नाइट्रिक एसिड एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एलोट्रॉपिक फॉर्म्स, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ नाइट्रोजन, अमोनिया, और यहाँ पे हमें करना है नाइट्रिक एसिड एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एलोट्रॉपिक फॉर्म्स, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ फॉस्फीन एंड फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड एंड फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ ऑक्सीजन एंड ओजोन, हाइड्राइड्स एंड हेलाइड्स ऑफ 16 ग्रुप एलिमेंट्स एंड देयर स्ट्रक्चर एंड नेचर, एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ सल्फर एंड देयर प्रिपरेशन एंड प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ यहाँ पे हेलोजन एंड हेलोजन एसिड्स, इंटर हेलोजन कंपाउंड, स्यूडो हेलाइड आयन्स, ऑक्सो एसिड्स ऑफ हेलोजन्स एंड देयर स्ट्रक्चर एंड नेचर, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ ज़ेनॉन फ्लोराइड, ऑक्साइड्स ऑफ ज़ेनॉन एंड ज़ेनॉन ऑक्सो फ्लोराइड्स, ये टॉपिक इसके अंदर आ रहा है. नेक्स्ट है हमारा
15th टॉपिक जो है डीएनएफ एफ ब्लॉक एलिमेंट. सो इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है, जनरल इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड जनरल ट्रेंड इन प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट रॉ ट्रांजिशन मेटल्स लाइक मेटालिक कैरेक्टर. और नेक्स्ट है आयनाइजेशन एंथैल्पी, ऑक्सीडेशन स्टेट, आयनिक रेडियाई, कलर्ड आयन फॉर्मेशन, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ऑक्साइड हैलाइड्स एंड सल्फाइड्स ऑफ फर्स्ट रॉ ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन एटसेट्रा, प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर ऑफ KMnO4 एंड K2Cr2O7, लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनॉइड्स. ये सारे टॉपिक्स के अंदर है. नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एंड ऑर्गेनोमेटालिक्स. सो मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, वार्नर्स थ्योरी, लाइगेंड्स, देयर टाइप्स, IUPAC नॉमिनिकलेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, आइसोमेरिज्म, बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स, कलर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एंड स्टेबिलिटीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, केमिकल एंड बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, मेटल एंड कार्बोनाइल प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज एंड बॉन्डिंग ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स एंड देयर क्लासिफिकेशन. ये इसके सारे टॉपिक्स हैं. नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, इसमें देख ले. सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ पे मैं फिर से एक बार बताना चाहूंगी, अगर आपने दोनों पेपर के लिए आप प्रिपेयर नहीं, यहाँ पे तीनों ऑर्गेनिक, फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक तीनों को नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर आपने दो पार्ट को भी सही से कर लिया, वैसे मैं कोशिश करूंगी कि मैं तीनों पार्ट को करा दूं, पर फिर भी अगर दो पार्ट, एक पार्ट छूट भी जाता है, तो अपने दो पार्ट को भी, जिस भी पार्ट को करें बहुत अच्छे तरीके से करें, कि उसमें टाइम कम है तो हमारे पास. तो नेक्स्ट 17th यहाँ पे देखते हैं टॉपिक जो है हमारा, यहाँ पे 17th है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, सम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स, जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, शेप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हाइब्रिडाइजेशन. हाइब्रिडाइजेशन में भी पढ़ना है SP, SP2, SP3, स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, फंक्शनल ग्रुप, होमोलोगस सीरीज, कॉमन और ट्राइबल नेम्स, नॉमिनिक्लेचर ऑफ एलिफेटिक, एरोमेटिक एंड सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड्स. नेक्स्ट है आइसोमेरिज्म. आइसोमेरिज्म के अंदर हमें पढ़ना है स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन रिएक्शन मैकेनिज्म, सो क्लीवेज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, टाइप्स ऑफ अटैकिंग स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट इन ऑर्गेनिक रिएक्शन, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन अ कोवेलेंट बॉन्ड एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन. नेक्स्ट है मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. सो इसमें यहाँ क्वालिटेटिव एनालिसिस करना है आपको, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, एस्टिमेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड डिटर्मिनेशन ऑफ इंपेरिकल एंड मॉलिकुलर फॉर्मूला, ये सारे टॉपिक्स हमें करने हैं. नेक्स्ट है 18th हाइड्रोकार्बन्स. हाइड्रोकार्बन्स के अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स है, जिसमें अल्कीन्स का काम करना है, कॉन्फर्मेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शन, साइक्लोअल्केन्स का प्रिपरेशन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोअल्केन्स. अल्कीन्स में करना हमें स्ट्रक्चर ऑफ डबल बॉन्ड एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, फिजिकल प्रॉपर्टीज, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन एंड केमिकल रिएक्शन. नेक्स्ट है अल्काइडीन्स. इसमें करना हमें क्लासिफिकेशन ऑफ डाइन्स, प्रिपरेशन ऑफ कंजुगेट डाइन्स और केमिकल प्रॉपर्टीज, 1, 2 और 1, 4 एडिशन ऑफ कंजुगेट डाइन्स. नेक्स्ट है अल्काइन्स. स्ट्रक्चर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, फिजिकल प्रॉपर्टीज, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज, एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइन्स, ये सारे टॉपिक्स के अंदर हमें करना है. नेक्स्ट है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जिसके अंदर हमें करना है स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, रेजोनेंस, एरोमेसिटी, जिसमें कि हकल्स रूल हमें करना है, केमिकल प्रॉपर्टीज, मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन. सो ये टॉपिक हमें करना है. नेक्स्ट है 19th हमारा है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री. सो ये टॉपिक बहुत आसान है, तो इसे ये बिल्कुल मत छोड़ना, आप ये तो कर ही लेना. एनवायरमेंटल केमिस्ट्री क्या है, बहुत इजी टॉपिक है और इसे क्वेश्चन बराबर आएंगे आपको. तो यहाँ अगर ये टॉपिक आपने प्रिपेयर कर लिया तो बहुत सारे क्वेश्चन आप कैच कर पाएंगे. यहाँ पे एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, एटमोस्फेरिक पॉल्यूशन, ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, जिसमें मेजर एयर पॉल्यूटेंट्स, कंट्रोल ऑफ एयर पॉल्यूशन, स्मॉग, केमिकल एंड फोटोकेमिकल स्मॉग, स्ट्रेटोस्फेरिक पॉल्यूशन, ओजोन लेयर एंड इट्स डिप्लीशन और एसिड रेन, ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, ये सारे टॉपिक इसके अंदर आएंगे. नेक्स्ट है 20th टॉपिक हमारा, जिसमें आ रहा है हमारा हेलोअल्केन्स एंड हेलोअरीन्स. सो हेलोअल्केन्स एरीन्स के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, तो क्लासिफिकेशन
methods of preparation of haloalkenes and haloarenes, their physical properties, tests of distinguish between alkyne and aryl halides, mechanism of SN1 and SN2 reaction, elimination reaction, और यहाँ पे इसके अंदर आपको पढ़ना है polyhalogen compounds and preparation of and properties. नेक्स्ट क्रॉप टॉपिक नंबर 21 जो है अल्कोहल फिनॉल्स एंड ईथर से. सो ये भी छोटा सा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है, तो ये हम कर लेंगे बिल्कुल इस टॉपिक को कि यहाँ से क्वेश्चन उठ के आएंगे तो ये हम टॉपिक कर लेंगे. तो यहाँ पे कर लेना है हमें अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर. सो यहाँ पे क्लासिफिकेशन प्रिपरेशन एंड इस टॉपिक के अंदर हमें जो जो पढ़ना है क्लासिफिकेशन प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज एंड यूजेस टेस्ट्स टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल डिस्टिंक्शन बिटवीन अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स एंड प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ये सारे टॉपिक इसके अंदर करने हैं. नेक्स्ट एल्डिहाइड एंड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड. सो इसके अंदर हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज and uses